तो दोस्तों ये है वो बकरे जिनका हम लोगों ने काफ़ी टाइम से आप लोगों को बताया था कि देवनार में सबसे अच्छे बड़े बकरे आए हैं, और माशाल्लाह आप लोग इनकी क्वालिटी देखिए, इनका तैयारी देखिए, सब बकरे एक से एक है। और आप लोग पूरी वीडियो का एंड तक देखिए, इसमें हम लोगों ने जो भी ओनर है इनसे बातचीत भी की है, बकरों के क्या वेट है, क्या प्राइस है। और माशाल्लाह जो भी बड़े लवर्स है, जो ऐसे बड़े पालना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, ये इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, गोट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जम्स क्रिएशन चैनल को, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने है इंडिया के सबसे हैवीएस्ट बरबरे जो के तैयार हुए है, कहाँ पे भाई? यूपी में। यूपी संभल। जी भाई आपका नाम? नफीस है। नफीस भाई जी भाई आपका नाम? नफीस भाई है। नाम आपका भी? नाम नफीस भाई है, माशाल्लाह क्या बात है। तो भाई ये कहाँ से लाए हो एग्जैक्टली बरबरे? संभल से। संभल से यूपी का माल है। यूपी का कितने जानवर लाए हो आप? हम लाए थे 40। 40 बरबरे लाए जी भाई। और क्या वजन पे है ये जानवर? ये वजन, ये भाई 120 120, माशाल्लाह। ये भाई 130, ये वाइड वाला 130, माशाल्लाह 130 किलो के बरबरे जी भाई। क्या दांत पे? ये दांत पे 6-6 दांत पे, 4-4 दांत पे, 6 दांत पे 130 किलो जी भाई। क्या जबरदस्त है भाई। तो भाई ये क्या, ये भराई वाला जानवर है या सेल्फ फीडिंग वाला? भाई भराई वाला है, थोड़ा भराई खाते करता है। कौन सा बड़ का पत्ता दे रहा है? हाँ जी, बड़ का पत्ता खिला। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए जो खुद से भी खा रहे हैं जानवर, माशाल्लाह काफी गोल मटोल बरबर है। सब खुद से खाते हैं ये? सब खुद से खाते हैं? खुद से खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, मास भाई यहाँ दिखाइए जरा। अच्छा भाई, ये जो बकरों में लटक आती है आपके, ये जो बहुत ही खूबसूरत लटक है, इसका क्या रीजन है, क्या किस वजह से आई? भाई मेहनत करने का रीजन है, अल्लाह का मैंने मेहनत की है, अल्लाह ने हमें फल दिया है उसका। कितने टाइम की मेहनत है ये? ये भाई हमारी एक साल की मेहनत है। एक साल की मेहनत जी भाई। तो आप तैयार किए हो जी भाई? अच्छा अच्छा, अभी इनका क्या मांग रहे हो, दाम क्या मांग रहे हो इनके जी? भाई दाम बताइए, वाजिब दाम बताइए, ऐसा बताइए जी। जी 4.5 जोड़ी के लाख? 4.5 लाख दोनों ये जोड़ी के? इस जोड़ी के 4.5 लाख। वो कितने वजन पे है ये भाई? दोनों 120-120 किलो। दोनों 120-120 किलो। ये तोले हुए है या आप अपने अंदाजे से? भाई तोले हुए। ये तोले हुए है या वजन अंदाजा है? वजन करके लेकर वजन करके लाए हो जी भाई? अच्छा अच्छा, अभी 4 दिन में गाड़ी लगी है इधर, थोड़ा कम हो गया तो ठीक है। अच्छा, और हल्के में कितने में, क्या वजन पे आपके पास? हल्के में हमारे मान लो हल्के से हल्के 50+ से है। 50+ ही हल्के जी? वो दो दांत पे होंगे। हाँ, दो दांत पे। अच्छा, और तो उनका क्या रेट लगा दोगे वाजिब दाम? हम भाई जब आएंगे ग्राहक तो हो जाएगी बात। बारह नंबर बताइए आपका? 12 नंबर 292। 292 में 12 नंबर है। और भाई सिर्फ बरबरे में काम करते हैं, कोई और नस्ल? नहीं भाई, सिर्फ बरबरे। यही शौक है आपको? ये भाई साल भर यही काम है? साल भर इसके अलावा कोई और काम? नहीं, कुछ और नहीं। तो माशाल्लाह काफी सारे अच्छे बरबरे एकदम गोल, जो शौकीन है हम इन्हीं में लगे रहते। हाँ, वो शौकीन है ना, वो दूर से देख के इनके बकरे पहचान जाएगा। कल हमने इनको गाड़ी में देखे थे अनलोडिंग के टाइम पे, और कल से हम ढूंढ रहे भाई के बकरे। रात में कितने बजे उतरे पूरा? हमारे बकरे उतरे भाई 2 बजे रात में। रात में 2 बजे तब से गाड़ी में ही थे? गाड़ी में ही थे। बहुत मेहनत करके? तो ये आपने भाई मेहनत अपनी इसलिए की क्योंकि इनको अच्छी जगह पे रखना था। ये आपने खुद से सिलेक्ट किया भाई? हमने खुद से सिलेक्ट किया। अच्छा अच्छा, तो भाई यहाँ पे जो बकरे दिख रहे इनको आप कोई इंजेक्शन लगाते हो या? नहीं भाई, नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कोई डोज वगैरह कुछ नहीं देते? कुछ भी नहीं है, कोई डोज नहीं देते। अच्छा, इनको तेल पिलाया जाता है? देसी घी पिलाया जाता है भाई जाड़ों में जी। अच्छा, घी पिलाते हो? घी पिलाते हैं। दाने में क्या खिलाते हो? दाने में चना खिलाते हैं। चना जी भाई। अच्छा अच्छा, तो एक जानवर एक टाइम पे कितना कितना अनाज खाता होगा? अब छोटा छोटे बच्चे शुरू से आधा किलो से कम करते हैं। आधा किलो? आधा किलो से चालू करते हैं। बड़ा ग्राम, बड़ा बकरे पे 700 ग्राम तक पे एंड होता है। 700 ग्राम एक बकरा एक टाइम पे खाता है जी भाई? तो दिन में कितनी बार खिलाते हो? एक टाइम में खिलाते हैं, सुबह में। कितना पत्ता खिलाते हो? शाम को पत्ता और सुबह में दाना। ये आपके फार्म में कुछ है? आपका फार्म है क्या है? हमारा फार्म है, वहाँ पे घर पे पढ़ लेते हैं। फार्म का नाम है कुछ? हाँ, क्या नाम है? सफिया। सफिया, सफिया भाई गुड फार्म। अच्छा अच्छा, तो ये काफी सारे अच्छे अच्छे बकरे है इनके पास, और एक एक करके सब दिखा दो। ज़्यादातर इसमें शॉर्ट हाइट के बरबरे हैं, और खूबसूरती सबकी नेक्स्ट लेवल है। और 292 नंबर का बाड़ा है, देवनार धक्के के बहुत ही करीब में है। देवनार धक्के के अपोजिट में ही है, मॉनसून शेड की एंड में। तो अगर आपको बकरे लेना हो, अगर आप शौकीन हो, एक्सट्रीम बरबरा लवर हो, तो आप विज़िट कर सकते हो इनके बाड़े पे। दोनों नफीस भाई अपने साथ इधर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और भाई जो भी अगर वाजिब दाम लगेगा आप लगा के दे दोगे ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो अगर आप हमें तो बेचने ही हैं। बरबरी लवर जो भी आएंगे, बरबरी कितने किलो का बकरा तैयार करते हो? हर साल हमारे पास में यही रहता है बरबरा। बड़ा बकरा कितना तैयार? 150 किलो। 150 किलो जी भाई। 150 किलो में बरबरा में अच्छा बरबरा होता है। आपने कभी उतने बड़े बरबरे किसी और के पास देखे हो? नहीं भाई, नहीं देखे हो। हमसे अलग नहीं है, पूरी मंडी में नहीं है सर। इतनी वो तो बात है, पूरी मंडी में ऐसे बरबरे नहीं है। ये जो बैठा है ये कितना? 120 किलो बोले। 130 किलो है। सीबीस वाले का कितना मांगोगे? इसका जी भाई, इसके 4.5 लाख रुपए। 4.5 एक अकेले का? जी भाई, बहुत काफी एक्सपेंसिव हो गया। नहीं भाई, जो गिरा आएंगे तो डिस्काउंट भी करेंगे भाई। फिर भी कितना करोगे? 4.5 लाख आएंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। फिर सुन के गिर जाएगा, फिर आदमी को घर पहुँचाने का खर्चा कौन देगा? नहीं होगा। चलिए, अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर विजिट करिए, एक बार देखिए आगे। अगर आप नहीं ले सकते हो या आपको मतलब इतने महंगे बकरे नहीं खरीदने हैं, तो आप आके शॉप के तौर पे देख सकते हो। शॉप पूरा करने आ सकते हो। अगर आपको लेना है कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा जानवर, खूबसूरत बरबरे, तो आप विजिट कर सकते हो बाड़ा नंबर 292 नफीस भाई के बाड़े पे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो अपना नंबर बताना चाहोगे, फोन नंबर देना चाहोगे या नहीं देना? नंबर बोल दो। मेरा नंबर है 9639-73-42-78। अच्छा, कोई कॉल भी कर सकते हैं? साल भर जी, साल भर भी बेचते हो कि ईद के टाइम पे? नहीं भाई, साल भर बेचते। साल भर बेचते पालने के लिए, बच्चे जिसको चाहिए बच्चे भी अवेलेबल मिलते हैं। इसी क्वालिटी के रहेंगे ना? रहेंगे अच्छी क्वालिटी आपके पास रखे, सब यही क्वालिटी है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।